जैसी होनी चाहिए थी वैसी तो दुनिया नहीं, दुनियादारी भी ज़रूरत है, चलो यूं ही सही। ये दुनिया जो मेरे वजूद से पहले मौजूद थी, ये दुनिया जो आज कहीं जंग है, कहीं फसाद है, कहीं मारकाट है, कहीं खून खराबा है, ऐसी शोर शराबे की दुनिया में जब कभी कोई चांद ताजमहल पर जगमगाता है, या सुबह सवेरे उठकर कोई परिंदों को दाना चुगाता है, या किसी माँ की गोद में कोई बच्चा मुस्कुराता है, तो मेरा विश्वास इंसानियत पर मजबूत हो जाता है। क्या बात। ऐसे ही एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई उस वक्त जब मेरे शहर बम्बई में इंसान और इंसान के बीच सियासत या राजनीति ने जानवरों को बिठा दिया था और मुझे मेरे अपने घर से हटा दिया था। लेकिन उस अंधेरे में ये बच्चा जब मुझे स्कूल जाता हुआ नज़र आया तो मेरे दिल में एक उम्मीद जागी। मैंने सोचा ये बच्चा बच्चा नहीं है, ये मेरे देश का भविष्य है, मुस्तकबिल है, फ्यूचर है। जब ये स्कूल जाएगा वहाँ से रोशनी लाएगा, और जब रोशनी लाएगा तो सियासत का फैला हुआ अंधेरा खुद ब खुद छट जाएगा। मैंने इस बच्चे के प्रेज में एक नज़्म लिखी थी उन दिनों, वो ये है कि हुआ सवेरा ज़मीन पर फिर अदब से आकाश अपने सर को झुका रहा है। आकाश हुआ सवेरा ज़मीन पर फिर अदब से आकाश अपने सर को झुका रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हुआ सवेरा ज़मीन पर फिर अदब से आकाश अपने सर को झुका रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। नदी में स्नान करके सूरज सुनहरी मलमल की पगड़ी बांधे सड़क किनारे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हवाएं सरसब्ज डालियों में दुआओं के गीत गा रही हैं। हवाएं सरसब्ज डालियों में दुआओं के गीत गा रही हैं। महकते फूलों की लोरियां सोते रास्तों को जगा रही हैं। घनेरा पीपल गली के कोने से हाथ अपना हिला रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। फरिश्ते निकले हैं रोशनी के, फरिश्ते निकले हैं रोशनी के, हर एक रास्ता चमक रहा है। फरिश्ते निकले हैं रोशनी के, हर एक रास्ता चमक रहा है। ये वक्त वो है, ये वक्त वो है, जमीन का हर जर्रा माँ के दिल सा धड़क रहा है। पुरानी एक छत पे वक्त बैठा कबूतरों को उड़ा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और खुदा करे वो स्कूल जाते रहे। क्या बात कही है। सुबह सवेरे की इस बैठक को अपनी शख्सियत, अपनी सोच और अपनी शायरी से सजा रहे हैं इस दौर के मशहूर शायर निदा फाजली। निदा साहब की शायरी गली चौराहों से लेकर विद्वानों की बैठक तक कहीं पढ़ी और सुनी जाती है। सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। शुक्रिया। निदा साहब, आपकी शायरी हिंदी और उर्दू के बीच के फासले को मिटाती है और उनके बीच एक पुल का काम करती है, तो क्या ये सोची समझी शैली है? ये सोची समझी शैली तो नहीं है, ये एक किस्म का प्रोटेस्ट है कि जब मुझे शऊर आया तो मुझे लगा कि बचपन में जब हम रेलवे स्टेशन से गुजरते थे तो आवाज़ें सुनने को मिलती थी बचपन के कानों को कि हिंदू पानी मुसलमान पानी। उन दिनों समझ में नहीं आता था ये क्या है, लेकिन जब बड़े होकर होश आया और मालूम पड़ा कि भाषाएं भी हिंदू और मुस्लिम होती हैं तो मुझे ताज्जुब हुआ। पार्टीशन के बाद हुआ ये कि रघुपति साय फिराक की भाषा जो है कह दिया गया वो उर्दू जो है वो तो साहब मुसलमान है।
और साहब रहीम और गुलशेर अहमद शानी की भाषा जो है, जो हिंदी है, वो कह दिया कि साहब वो हिंदू है। तो मैंने कहा कि ये भाषा जो है, जो आदमी बोलता है, जिसमें माँ अपने आंसू बहाती है, जिसमें भाई बहन को, बहन भाई को राखी पहनाती है, जिसमें जनता त्यौहार मनाती है, जिसमें जवानी मुस्कुराती है, जिसमें माँ गुनगुनाती है, जिसमें कोई चक्की चलाता है, कोई अपना मजदूरी का काम निभाता है, वो भाषा जो न चेहरे पर दाढ़ी लगाती है, न माथे पर तिलक चमकाती है, वो भाषा जो आवाम में बोली और समझी जाती है, मैंने उस भाषा को अपनाया। वो भाषा जो खुसरो की थी, वो भाषा जो कबीर की है, वो भाषा जो मीरा की है, वो भाषा जो आम मजदूर की, आम इंसान की, आम माँ की, आम बहन की है, मैं उस भाषा को अपने अभिव्यक्ति, अपने इजहार का जरिया बनाता हूँ। तो ये भाषा जो आप कह रहे हैं, जो कि हाल फिलहाल के मसलों से प्रभावित है, इसका क्या महत्व है? हाल फिलहाल के मसाइल से जी इसका जुड़ाव इसलिए है कि ये भाषा जिन गली कूचों से उठाई जाती है, मसाइल ज़्यादा उन्हीं गली कूचों में होते हैं। ये और बात है कि वो गली कूचे जिनके नाम पर हर मसला सर उठाता है, बल्कि इस देश का जो विभाजन हुआ वो भी उसी आम आदमी के नाम पर हुआ, जो आम आदमी उन्हीं गली कूचों का था। ये और बात है कि वो आम आदमी इस देश के विभाजन के तीन टुकड़ों में आज भी परेशान है, जैसे पहले परेशान था। मैं एक मुझे एक वाकया याद आ रहा है, पिछले दिनों मैं पाकिस्तान गया हुआ था एक मुशायरे के सिलसिले में। वहाँ मुशायरा जब पढ़ के मैं नीचे उतरा जी। तो मैंने देखा कि एक फ़कीर भीख मांग रहा है, जो मुझसे हो सकता था मैंने उसे दिया। जब मैं बम्बई में लौट के आया तो मुझे हैरत हुई कि वही फ़कीर बम्बई की सड़क पर भी भीख मांग रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना था कि कराची के रास्ते में उसका नाम रहीम था और बम्बई की सड़क पर उसका नाम राम हो गया था। तो मैंने सोचा जब राम और रहीम दोनों को भीख मांगना थी तो बीच बीच में सरहद क्यों डाल दी गई? अगर साथ साथ मांगते तो शायद ज्यादा भीख मिलती। तो मैंने एक गजल कही थी उन दिनों, यहाँ भी है वहाँ भी, इंसान में हैवान यहाँ भी है वहाँ भी, अल्लाह निगहबान यहाँ भी है वहाँ भी, खूंखार दरिंदों के फकत नाम अलग हैं, खूंखार दरिंदों के फकत नाम अलग हैं, शहरों में बयाबान यहाँ भी है वहाँ भी, और रहमान की कुदरत हो या भगवान की मूरत, रहमान की कुदरत हो या भगवान की मूरत, हर खेल का मैदान यहाँ भी है वहाँ भी, और हिंदू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी। और मीर का एक खूबसूरत शेर है कि देख तो दिल के जहाँ से उठता है ये धुआं सा, कहाँ से उठता है, उठता है दिलो जहाँ से धुआं दोनों तरफ ही, उठता है दिलो जहाँ से धुआं दोनों तरफ ही, दोनों तरफ ही, ये मीर का दीवान यहाँ भी है वहाँ। क्या बात है, वाह, बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन निदा साहब, आज की बदलती फिजा में आपके क्या विचार हैं जब बसें पाकिस्तान जा रही हैं? गालिब ने एक बड़ा शेर कहा था बहुत अच्छा, जो मुझे याद आ रहा है, आप बागीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। इंसानों को बहलाने के ये खिलौने और ये तमाशे इतनी बार दोहराए गए हैं कि अब लगता है कि इस टोकरी में से कोई कबूतर नहीं निकलने वाला। ये इंसानों को उनकी बुनियादी ज़रूरतों, उनकी बुनियादी समस्याओं,
उनके बुनियादी मसाइल से अलग करने के बहाने हैं। जैसे माँ करती है, बच्चा जब रोता है खिलौना थमा दिया, वो झूठा वादा करती है जो लगता है बच्चे को सच्चा कर, वो बेटे को चंदा मामू दूध पिलाएंगे, वो कभी दूध पिलाने नहीं आते। इसी तरह ये खेल इतनी बार किए गए हैं कि इन पर विश्वास नहीं आता। लेकिन आदमी को पूर्व उम्मीद होना चाहिए, हर सुबह नया सूरज है, हर शाम नया चांद है, और हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें एक दूसरे के दरमियान मुकालमा भी जिंदा है, संवाद भी जिंदा है, ख्वाब भी बाकी है, और इस ख्वाब और इस संवाद और मुकालमे की रोशनी में हमें आने वाले कल के इस्तकबाल के लिए तैयार रहना चाहिए। निदा साहब, आपके कलाम जगजीत सिंह ने खूब गाए, तो इस रिश्ते की बुनियाद क्या है? रिश्ते की बुनियाद दर्द का रिश्ता कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि दर्द के चेहरे अलग अलग होते हैं, उनकी टीस एक सी होती है। मैं ग्वालियर कॉलेज में था और जिस क्लास में मैं था एमए फाइनल की, उसमें एक लड़की मेरी सीट से 45 के एंगल में बैठती थी। मैं पीछे से उसे अपनी आंखों से 90 के एंगल में लाता रहता था, और एक अनजान सा बेनाम सा रिश्ता हमारे दरमियान पैदा हो गया। माँ पे आपने कुछ कहा था, उस खोए हुए से कुछ में एक करेक्टर माँ भी थी जी, और मैंने एक दोहा कहा था पहले कि मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। मैंने बाद में ये सोचा कि गज़ल, उर्दू गज़ल, जिसकी उम्र अब 700-750 साल होने को आई, 750 साल से एक ही प्रेमिका गज़ल की साथ चल रही है, गज़ल हर युग में नई हो रही है, प्रेमिका उसी तरह से बूढ़ी चली आ रही है, तो मैंने सोचा कि गज़ल अगर नई है तो इसके लिए किसी नई महबूबा की भी तलाश करना चाहिए। तो मैंने एक नई महबूबा की तलाश की जी। और उस पर गज़ल कही कि बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। यह माँ वो है जो आज से 40 साल पहले थी। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ, और बान की खुर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे, बान की खुर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे, आधी सोई आधी जागी थकी दोपहरी जैसी माँ। बान की खुर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे, आधी सोई आधी जागी माँ, और बीवी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में, एक वजूद कई हिस्सों में बंटता है। बीवी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ, दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ, और बांट के अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहाँ गई, बांट के अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहाँ गई, जाने कहाँ गई, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। क्या बात है, बेसन की सौंधी रोटी पर। क्या बात है नेता जी, बहुत अच्छा। सुबह सवेरे की हमारी इस बैठक को अपनी शायरी से सजाने के लिए निदा फाजली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।